हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिजाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो स्लीव्स सिखाने जा रहा हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। इसे रफल स्लीव्स भी बोल सकते हो, आप गैदर स्लीव्स भी बोल सकते हो। पहनने के बाद बहुत ही शानदार लुक इस स्लीव्स का आता है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है रॉबिन फैशन डिजाइनर। तो गाइज, बाजू के इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लाउज की कटिंग, नॉर्मल जैसे हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे कर लेनी है। मैं ये एक बैक हुक वाला ब्लाउज बना रहा हूँ। ये देखिए, ये जो अस्तर के पार्ट है ये बैक है और ये इसका नेट है। अस्तर में ले रहा हूँ उसमें शैंटून का। तो सबसे पहले क्या करना है, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, आगे से इसको मैं प्रिंसेस कट बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए, ये इसका बैक वाला पार्ट है। गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच और गले की लंबाई रख रहा हूँ मैं 7 इंच। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, देखिए ये जो दूरी ना आपको ये रखनी है 4 इंच। आपको 4 इंच पे एक सीधा निशान लगाना है इस प्रकार से। और जो आपका गला है, गले आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, आपको उस प्रकार से लेकर आना है गले को और 4 इंच वाले निशान में आपको उस प्रकार से मिलाना है। और यहाँ से आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। ये कट गया इसका बैक। अब आते हैं इसके फ्रंट वाले पार्ट पे। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये देखिए, फ्रंट वाले पार्ट में भी आपको क्या करना है, यहाँ से जो दूरी रखनी है वो रखनी है आपको 4 इंच। गला आपको यहाँ से 2.5 इंच रखना है। गले की लंबाई आप 6.5-7 जितना भी पहनते हो पहन सकते हो। उसके बाद आपको ये जो निशान लगाना है 4 इंच पाई ये वाला, यहाँ पर भी आपको उस प्रकार से लेकर आना है गले को और इस निशान पर आपको करनी है कटिंग। क्योंकि प्रिंसेस कट बन रहा है तो यहाँ से हम इसकी अलग से कटिंग करेंगे पहले से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, जो बन रही है रफल स्लीव्स, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नेट लेना है। देखिए, ठीक है, इस नेट की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ कितनी लेनी है। टोटल जो लंबाई लेनी है आपको इस प्रकार से, वो कम से कम 20 इंच लेनी है। रही बात चौड़ाई की, वो लेनी है आपको 8 इंच। आपको करना क्या है, आपको इस नेट को इस प्रकार से देखे यहां से पकड़ के इस एक साइड से इतना सा फोल्ड करना है आपको। हल्की सी सिलाई लगानी है इधर भी और इधर भी, दोनों ही में आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसमें दोनों साइड मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसमें एक लगानी है मोटी सिलाई। ये देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। जैसे सिलाई मैंने इधर लगाई है, सेम ऐसी एक सिलाई आपको इधर भी लगानी है। दोनों ही साइड सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये देखिए जो धागा आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इस धागे को आपने ऐसे खींचना है। इसको खींचने से क्या होगा कि आपको यहाँ पर आपकी गैदर्स बन जाएगी इस प्रकार से। देखें, इसको अच्छी तरह से खींचना है पूरे धागे को, और जितना भी कपड़ा है सारे की आपको गैदर्स बनानी है। दोनों साइड इस प्रकार से धागे को खींचते हुए आपने इसकी गैदर्स बना लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो धागे को मैंने खींचा था, तो खींचने के बाद आप देख सकते हो इस प्रकार से, पूरा खींचने के बाद ये एक पार्ट ये हो गया बाजू का और एक पार्ट हमारा ये हो गया। ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपस में यहाँ पर लगेंगे, एक इधर लगेगा, एक पार्ट्स इधर लगेगा। इसी प्रकार से ये देखिए, बैक वाले पार्ट भी मैंने रेडी कर लिए, इस तरह मैंने जोड़ लिया है। एक पार्ट आपका इधर अटैच होगा और एक पार्ट आपका इधर की साइड अटैच होगा, लेकिन इनको डायरेक्ट अटैच आपने नहीं करना, पहले हमने गले को बनाना है। गले को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है पेपर फोम, और पेपर फोम को आपने इस प्रकार से कपड़े पर सेट करना है। ये देखिए, मैंने पेपर फोम को यहाँ पर चिपका रखा है, इसको मैं ऐसे कैसे रखूँगा, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से रखना है आपको। देखें बिल्कुल इसके सामने जो भी इसकी शेप आ रही है ना, ये देखिए गले की जो शेप है, उस शेप के अनुसार आपको इसकी कर लेनी है कटिंग। देखें, तो ये देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसकी जो शेप थी ना बिल्कुल सेम इसके बराबर मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको लगाना कैसे है, जैसे इसकी शेप मैंने दी है ना सेम, ऐसे कैसे ही आपको जो बैक वाला पार्ट है ना, ये देखिए ये जो बैक वाला पार्ट है, इसके भी पहले इसके दो टुकड़े करते हैं आपस में से, क्योंकि लंबी पट्टी, इसको दो करेंगे क्योंकि बैक ओपन है। और इसको भी आपने ऐसे के ऐसे रख लेना है, देखिए यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसको इस साइड में रखा, और जो भी गले की शेप है इसके अनुसार आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो मैंने स्लीव्स बनाई है, इसको अटैच कैसे करना है, देखिए आपको आधा इंच इधर से छोड़ना है और आधा इंच आपको इधर से छोड़ना है, और इसको ये जो धागा है ना, इस धागे को खींचते हुए आपने इस प्रकार से सेट करना है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन आपका होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, जब इसमें मैं वो पट्टी लगाऊंगा जो मैंने कट कर रखी है, तब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो पहले इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे इस साइड आपको करना है, दोनों ही साइड से आधा आधा इंच छोड़ते हुए आपको इसको रखना है, ये जो मैंने
इसके अंदर गैदर्स बनाई है स्लीव्स के लिए। तो ये जो सिलाई मैंने लगाई ना आगे, ये देखिए आधा इंच का जो कपड़ा है वो कहां पर काम आएगा, जब पट्टी लगी उसमें वो काम आएगा। तो इसी प्रकार से बैक साइड में भी आपको इसको अटैच कर लेना है। आगे पीछे अटैच करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से कर लेंगे सीधा। ये देखिए इसको मैंने सीधा रख लिया, और पहले हम आगे वाला जो पट्टी है ना, ये वाली, इस पट्टी को लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। इसको रखना है ऐसे, ये देखो आपको सिलाई की शुरुआत करनी है यहाँ से, इस जगह से, ऐसे 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 और ऐसे, वो पूरे में कंप्लीट इस सिलाई को लगाना है। कैसे लगाना है चलते हैं मशीन पे। इस सिलाई को लगाने के बाद आपको इस जगह पर जहाँ पर ये गोलाई है, गोलाई वाली जगह पे आपको हल्के हल्के से कट लगाने हैं। एक कट आपको यहाँ पे लगाना जो बिल्कुल सेंटर में बनेगा, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ये गुम हो जाएगा, और ये जो है इस जगह से बिल्कुल गुम बन जाएगा, और यहाँ से भी ये बिल्कुल गुम हो जाएगा। चाहो तो आप इस पर एक किनारे की सिलाई लगा सकते हो, नहीं भी लगानी तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से कॉर्नर्स निकाल के इसके अच्छी तरह प्रेस कर सकते हो। बाकी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट करके आप यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पर इस जगह पे इसकी तुरपाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आगे के पार्ट्स को मैंने रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से आपको जो पीछे वाले पार्ट्स हैं वहाँ पर भी आपको ये जो पैच जो बच रहे हैं ना, इनको भी आपने इस प्रकार से घूम करके लगाना है, और इसके बाद साइड की फिटिंग कर लेनी है। पहनने के बाद इसका जो लुक कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो स्लीव्स हैं, इस स्लीव्स को बोलते हैं रफल स्लीव्स। ये देखिए इसका मैं आपको साइड से लुक दिखा रहा हूँ, और इसका जो मैं आपको पीछे से भी लुक दिखा देता हूँ, और पूरा का पूरा जो पहनने के बाद परफेक्ट लुक इसका आता है ये आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही शानदार ये स्लीव्स लगती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं।